हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज की वीडियो में मैं शेयर करूँगी इस तरह का मेकअप लुक। ये बहुत ज़्यादा सिंपल होने वाला है एंड ये लुक मैंने स्पेशली क्रिएट किया है टीनेजर्स के लिए या जो भी लड़कियाँ कॉलेज जाती हैं या ऑफिस गोइंग गर्ल्स के लिए। सो ये होगा बहुत ज़्यादा सिंपल मेकअप। सो चलिए देखते हैं कि इसे मैंने कैसे क्रिएट किया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पर एलोवेरा जेल यूज़ किया है अपने फेस पे मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद। अगर आप एलोवेरा जेल यूज़ करना चाहते हो तो आप कर सकते हो एंड अगर आप स्किप करना चाहते हो तो आप स्किप भी कर सकते हो। बट एलोवेरा जेल हमारा स्किन और मेकअप को जो हम बेस यूज़ करेंगे यहाँ पे उसके बीच में जो है बैरियर का काम करेगा, मतलब मेकअप को हमारी स्किन के अंदर नहीं जाने देगा ये। इसलिए मैंने यहाँ पे एलोवेरा जेल यूज़ किया। आप ये यूज़ कर सकते हो, ये गुड वाइब्स का एलोवेरा जेल है एंड ये ओनली 40 रुपीज़ का। एंड इसके बाद मैं ये लैक्मे का सीसी क्रीम यूज़ कर रही हूँ एज अ बेस। आप चाहो तो फाउंडेशन भी यूज़ कर सकते हो, बट हाँ मैं कम एज की लड़कियों के लिए फाउंडेशन प्रेफर नहीं करूँगी बिकॉज वो इतने ज़्यादा अच्छी नहीं होती है रेगुलर बेसिस पे हमारी स्किन पे। सो मैं यहाँ पे मैंने इस तरह से इस सीसी क्रीम को अप्लाई कर लिया था अपने फेस पे एंड इसके बाद मैं इसको सेट करूँगी। लैक्मे का मैं लूज़ पाउडर यहाँ पे ले रही हूँ, आप कोई भी लूज़ पाउडर या कॉम्पैक्ट पाउडर ले सकते हो। एंड इसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ काजल, आप कोई भी अपने पसंद का काजल ले सकते हो, बट हाँ वो स्मज होना चाहिए क्योंकि हम इसको थोड़ा सा स्मज आउट करेंगे। बट हाँ ये लैक्मे का काजल है एंड ये पहले स्मज होता है बट हाँ अपनी जगह पर ये एक बार सेट हो जाता है, उसके बाद ये कहीं नहीं हिलता है। सो मैंने ये काजल यहाँ पे यूज़ किया एंड इसको मैं अपने अपर वाटर लाइन एंड लोअर वाटर लाइन दोनों पे अप्लाई कर रही हूँ इस तरह से। एंड मैं क्या करूँगी कि एक लाइन ड्रॉ कर दूँगी, जैसे हम आईलाइनर ड्रॉ करते हैं ना उस तरह से मैं लाइन ड्रॉ कर दूँगी अपने आईज़ बेस से। बट हाँ मैं थोड़ा थिक आईलाइनर की तरह इस पे अपने आईज़ बेस से लाइन ड्रॉ करूँगी थोड़ा, जैसे आप देख सकते हो इस तरह से। एंड मैं क्या करूँगी कि अगर आपके पास कोई ब्रश नहीं है तो आप जो आप ईयरबड जिसको आप कहते हैं या क्यूटिप जिसको बोलते हो वो ले लीजिए एक एंड उसकी हेल्प से अपने इस काजल को स्मज आउट कीजिए। बहुत अच्छा लुक आता है, स्मोकी काइंड ऑफ इफ़ेक्ट आता है थोड़ा। सो मैंने यहाँ पे एक क्यूटिप लिया। अगर आप क्यूटिप अगर इस तरह का कोई ब्रश होगा जो जेल आईलाइनर्स के साथ आराम से मिल जाते हैं सो आप ये भी ले सकते हो, बट मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पे क्यूटिप ही यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरह से आपको आराम से इस अपने लाइनर को हल्के हाथों से आपको प्रेस नहीं करना है वरना आपका प्रोडक्ट बिल्कुल रिमूव हो जाएगा। इससे मैं बहुत जेंटल हाथों से इसको स्मज कर रही हूँ एंड अगर आपको लगता है कि आपका प्रोडक्ट थोड़ा रिमूव हो गया तो आप रीअप्लाई करके आप इसको दोबारा स्मज कीजिए। एंड अपने लोअर लैशेस के काजल को भी मैं स्मज आउट स्मोक आउट कर दूंगी इसी क्यूटिप की हेल्प से, लाइक दैट। काफ़ी अच्छी इससे हमारी आईज लगने लगती है। सो मैंने यहाँ पे कर लिया दोनों आईज का काजल को स्मोक आउट इस तरह से, हाँ कुछ उस तरह का दिख रहा है अभी। इसके बाद मैं अप्लाई करूँगी मस्कारा, आप कोई भी मस्कारा अप्लाई कर लीजिए, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो मस्कारा आप अप्लाई कर लीजिए। एंड इसके बाद मैंने ये जो मस्कारा मैंने लिया था ना ये मैंने अच्छे से अपने अपर एंड लोअर लैशेस पे अप्लाई कर लिया है। एंड इसके बाद ये जो मस्कारा का एप्लीकेटर में बहुत कम प्रोडक्ट बचा है उससे मैं क्या करूँगी कि अपने आईब्रोज़ को थोड़ा शेप दे दूँगी, आईब्रोज़ के ऊपर मैं इसको चला लूँगी। देखिए मैंने लगा लिया है मस्कारा, सो मैं अपने आईब्रोज़ पर भी इसी को चलाऊंगी थोड़ा ताकि ये थोड़ा हम मेरे आईब्रोज़ जो हैं थोड़ा शेप में लगे बट हाँ नेचुरल भी लगे साथ ही साथ। इससे काफ़ी अच्छा वाला नेचुरल वाला लुक आता है, आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती अपने आईब्रोज़ को। इस तरह से मैं अपने दोनों आईब्रोज़ को इससे थोड़ा शेप में ले आऊँगी एंड उसके बाद मैं ये लिपस्टिक यूज़ करूँगी। आप कोई भी पिंक कलर का, रेड कलर का, पीची पिंक, कोई भी इस तरह के टोन में लिपस्टिक यूज़ कर सकते हो आप। मैंने ये वाला लिपस्टिक लिया है एंड इसके बाद मैं क्या करूँगी कि थोड़ा सा एज अ ब्लश इस लिपस्टिक को अप्लाई करूँगी, बहुत हल्के हाथों से इस तरह से, आपको एकदम से रगड़ना नहीं है इसको अपने फेस पे एंड इस तरह से ब्लेंड करना है ताकि थोड़ा नेचुरल लगे आपको
हार्श लाइन नहीं छोड़नी है अपने फेस पे इस तरह से मैंने किया है, तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हो, बट हाँ, किसी को अपने फेस एंड अपने चीक्स पे ये पिंकी पिंकी ग्लो अच्छा लगता है, सो इसलिए मैंने ये अप्लाई करके आपको, आप स्किप भी कर सकते हो इसे। सो दिस इज़ माई फाइनल लुक, एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।